मेजर पब्लिक गैदरिंग और जो स्कूल्स हैं उसके अलावा तमाम चीज़ें अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ गई हैं। तो इसके लिए मैं अपनी पूरी हुकूमत को और अपनी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को और अपने तमाम जो हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं जिन्होंने इनके अंदर रोल प्ले किया और हमारे तमाम डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और जितने भी लोग थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया उनको मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। इसके बाद जो वज़ीरे आला पंजाब सरदार उस्मान बाजार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आज से पूरे पंजाब में सरगर्मियां खुल गई हैं, स्कूल्स के अलावा तमाम चीज़ें मामूल पर आ गई हैं। साथ ही साथ उन्होंने खराज तहसीन पेश किया उस तमाम स्टाफ को जिन्होंने कोरोना के दौरान जो लोग हैं उनकी खिदमत की। इसमें पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सेज वगैरह आते हैं, उन्होंने तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश किया। और जो कैबिनेट कमेटी है वो रेगुलरली इसके ऊपर मीटिंग करेगी और तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स के ऊपर अब खुद जाएगी और वहाँ तमाम जो सिचुएशन है उसको मॉनिटर करेंगे और मुहर्रम डे के ऊपर भी पूरी पूरी मॉनिटरिंग होगी। और इसके लिए हमने आर्मी और रेंजर्स की भी रिक्विजिशन हम कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह भरपूर तरीके के साथ तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे और इसका इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट निकलेगा। थैंक यू। सीएम साहब, ये रहनुमाई फरमाएं कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद कुछ अरसे बाद आपकी तब्दीली की खबरें चलना शुरू हो जाती हैं, कोई आपकी आस्तीन के अंदर अपने कोई छुपे हुए सांप हैं या कौन है जो इस तरह की खबरें तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। इसके ऊपर मीटिंग करेगी और तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स के ऊपर अब खुद जाएगी और वहाँ तमाम जो सिचुएशन है उसको मॉनिटर करेंगे और मुहर्रम डे के ऊपर भी पूरी पूरी मॉनिटरिंग होगी। और इसके लिए हमने आर्मी और रेंजर्स की भी रिक्विजिशन हम कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह भरपूर तरीके के साथ तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो परफॉर्म करेंगे और इसका इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट निकलेगा। थैंक यू। सीएम साहब, ये रहनुमाई फरमाएं कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद कुछ अरसे बाद आपकी तब्दीली की खबरें चलना शुरू हो जाती हैं, कोई आपकी आस्तीन के अंदर अपने कोई छुपे हुए सांप हैं या कौन है जो इस तरह की खबरें फैलाता है? देखिए, आज तो मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं इस मुहर्रम के सिलसिले में जो स्पेशल जो इस मीटिंग के लिए आए हैं, मेरे ख्याल में इसी पर हम बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। बट ये कल भी मैंने आपसे बात की थी कि हर कुछ अरसे के बाद हमारे खिलाफ़ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगंडा शुरू किया जाता है जिसका मेन मकसद ये होता है कि डिस्टेबलाइजेशन लाई जाए और इस सूबे के अंदर जो गवर्नेंस है उसमें तातुर लाए ताकि लोगों का काम सफ़र हो। इस सूबे में जो जो तरक्की हो रही है वो उनको पसंद नहीं है, तो वो इस तरह की बातें फैलाते हैं। जो शाये खुर्दो नोश की कीमतें हैं, आटे की कीमत बहुत ज्यादा है, पंजाब हुकूमत ने यकीनी तौर पे तमाम चीजों पे आपने बहुत अच्छे तरीके से काबू पाया। आम गरीब आदमी आटे की कीमत बहुत ज्यादा है, दिगर शाये खुर्दो नोश की कीमतें बहुत ज्यादा है। चार आईजी पंजाब तब्दील, चार चीफ सेक्रेटरी तब्दील, कई चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जो है वो भी तब्दील हो गए हैं। क्या वजह है, क्या समझते हैं इस हवाले से कोई कमी कुताही नजर आ रही है या इस हवाले से अमल नहीं हो रहा? जहाँ तक जो दो इश्यूज़ को आपने हाईलाइट किया, अभी मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ और मिनिस्टर फूड को मैंने स्पेशली इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि वो इमीडिएटली इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर काम करें। जैसा कि आपको मालूम है, अब इस साल हमने 41 लाख टन जो गंदम प्रोक्योर किया है वो एक पिछले 10 साल में रिकॉर्ड है कि हमने जितनी प्रोक्योरमेंट की है। अब हमने जो एक उसकी कीमत मुकर्रर की है 860 रुपये, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने खुद ही कन्फर्म किया है कि पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सिचुएशन काफ़ी बेहतर है बनिस्बत बाकी जो जितने सूबे हैं वहाँ पे। जहाँ तक प्राइस कंट्रोल किया है इसको रेगुलरली अभी इंशाल्लाह हम मॉनिटर कर भी रहे हैं और इसकी इंशाल्लाह मैं खुद भी करूंगा, आप देखेंगे कि काफ़ी बेहतरी है। आपके शहर में वो खराब पड़े हैं, इस हवाले से क्या करें? जब भी कोई सब्जी मंडी में ब्लास्ट हुआ पुरानी में, वहाँ की फुटेज नहीं मिली थी, तो इसमें कब चीज़ें बेहतर होंगी? वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बाजार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस साल 41 टन गंदम हासिल की गई है, आटे और गंदम की कीमतों को खुद मॉनिटर करूंगा। सूबे में तरक्की ना हो इसीलिए इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं, कुछ अरसे के बाद हमारे खिलाफ प्रोपेगंडा किया जाता है। उन्होंने कहा कि आज मुहर्रम के हवाले से बात करने आए हूं, इसीलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगा। उन्होंने ये भी बताया कि पूरे पंजाब में सरगर्मियां खुल गई हैं, स्कूल्स के अलावा तमाम चीज़ें मामूल पर आ गई हैं। और मुहर्रम के हवाले से उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर तमाम चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा, एसओपीज़ का ख्याल रखा जाएगा। इसके साथ उन्होंने कोरोना वायरस के दौरान जितने डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ ने फ्रंट फुट पर काम किया, उन तमाम को खराज तहसीन भी पेश किया।
अगले दूसरे शहरों में इस तरह की सेफ सिटी हम बनाने के लिए जा रहे हैं और पंजाब के अंदर कोई भी केस इस तरह का नहीं है जो ट्रेस ना हुआ हो। आज के दिन तक इस सेफ सिटी की मदद से तमाम केसेस हमने ट्रेस कर लिए हैं। और मुगलपुरा थाना का जो डीएसपी और एसएचओ को मुअत्तल भी किया, सीसीपी और लाहौर की कारकर्दगी और जो सेफ सिटी के सर्वा की कारकर्दगी उस पर भी सवालिया निशान हमने लगाए थे, तो क्या वजूहत क्या हुई हैं इन दोनों महकमों की? और आपने ठीक कहा है कि पिछली रात को कुछ दिन पहले मैंने यहाँ लाहौर में विजिट किया है और मैंने जहाँ जहाँ कोई कमी कोताही देखी है उन तमाम डिपार्टमेंट्स को मैंने डायरेक्शन दिए हैं और वहाँ पर हमने काफ़ी कार्रवाइयाँ भी की हैं। जहाँ तक सेफ सिटी के कुछ कैमरों की बात थी, कुछ जो ख़राब थे इमीडिएटली उनको हमने ठीक करवाया, अभी आपको नज़र भी आएगा कि तमाम चीज़ें उसकी ठीक हुई हैं और पुलिस के अंदर जहाँ पे हमने चीज़ देखी वो हम एक्शन भी ले रहे हैं और इंशाल्लाह कार्रवाई भी करेंगे। अब ये नहीं कि ये सिलसिला रुक गया, ये चलेगा इंशाल्लाह इसी तरह। आप ये फरमाइएगा कि नैब को जब भी मुतहरक होता है तो ब्यूरोक्रेसी स्लो हो जाती है, हमने देखा सेक्रेटेरिएट में फाइलें दबी की दबी रह गई, डेढ़ साल आपके पहले जो डेढ़ साल था कोई काम नहीं हुआ। अब जो है फिर नैब ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ रुख किया, आपके कबीना के वजीद को भी तलब किया और आपको भी तलब कर रखा है, क्या आप समझते हैं कि कल मरियम नवाज जुलूस के साथ जा रही है, वो कहती थी अवाम का हमारे साथ है, आप 12 करोड़ अवाम के वजीर आला हैं, आपके जुलूस के साथ जाएंगे नैब, क्योंकि आप बेकसूर हैं। मैं क्यों जुलूस के साथ जाऊँ, मुझे क्या ज़रूरत है जुलूस के साथ जाने के लिए? मैं पर्सनली जाके पेश हूँगा और अपनी सफाई दूंगा, वहाँ जो कुछ जो कानून के मुताबिक होगा वो होगा। सर एक आखिरी चीज़ बता दीजिए, एक आखिरी चीज़ बता दीजिए, समीउल्लाह चौधरी साहब बोलते हैं तो वो कहते हैं कि आप लाहौर में शहबाज शरीफ लगे हुए हैं, फैजुल हसन चौहान साहब आपको मशवरा देते हैं कि जनाब नैब के खिलाफ ना बोलिएगा, तो ये क्या वजह है कि अभी भी जो आपके जो साथी हैं वो ये साबित करना चाहते हैं कि आप इनके डिक्टेशन पे चल रहे होते हैं या ऐसे आप मुसलसल ये मीटिंग कर रहे हैं? देखिए जी, मेरे साथी हैं, मेरे मिनिस्टर हैं, अपने डिपार्टमेंट्स को ऑन करते हैं और चलाते हैं, मैं आपके सामने हूँ, आपने जो सवाल करना है आप मर्जी कर लें, मेरे से पूछ लें, जो कुछ पूछना है आपने मेरे से मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जब भी गवर्नमेंट आती है, जमहूरी गवर्नमेंट आती है, चाहे वो पीटीआई की हो, पीपल्स पार्टी की, नून लीग की, तो उसके खिलाफ जो है एक इदारा जो है वो मुतहरिक होता है, किसी करप्शन की नहीं की, उसके बाद में ये तहकीकात बाद में की जाती है। क्या समझते हैं कि नैब जैसे इदारे को ख़त्म होना चाहिए, इनमें कोई तरमीम की जानी चाहिए ताकि जो बेकसूर लोग जिनको पकड़ा जाता है उस देखें, बात यह है आप जो नैब की बात करें ये फेडरल इदारा है, ये सूबे के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, जो चीज़ मेरे दायरा अख्तियार में ना हो तो उसके ऊपर कमेंट करना मेरा हक नहीं बनता। दूसरी बात आपने की है कि आपकी कुछ फाइलें रुकी हुई हैं, आप मुझे फ़ाइल का नाम बताएं, मुझे नंबर बताएं, कहाँ रुकी हुई है, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। कौन सी फाइल रुकती है? कोई फाइल नहीं रुकती यहाँ पर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि रावलपिंडी और दूसरे शहरों में भी सेफ सिटी मंसूबा शुरू करेंगे, जहाँ जहाँ कमी कोताही देखी उन महकमों को हिदायत दी है।